ये आदि पुरुष का जो टीज़र रिलीज़ हुआ है ये बेसिकली रामायण पर बेस्ड है ये पूरी स्टोरी, लेकिन अगर आप टीज़र को देखेंगे तो उसमें कई पात्र हैं उन पर सवाल खड़े होते हैं। आप हनुमान को देख लीजिए, आप रावण को देख लीजिए, और रावण रावण के हुलिये को आप देखिए कि मतलब रावण जो है वो एक ब्राह्मण था, शिव भक्त था, लेकिन आप उस रावण की शक्ल देखिए, किसी एंगल से नहीं लग रहा कि वो कोई शिव भक्त है। रावण वीणा वादक था, वीणा बहुत अच्छी बजाता था, लेकिन आप उसको देखिए, रावण को किसी एंगल से नहीं लगता कि वो वीणा वादक है या शिव भक्त है या ब्राह्मण है या 14 कला निपुण है। बॉलीवुड से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बेकार ग्राफिक्स बनाएगा, ठीक। और जहाँ तक बात रही मूवी की, तो मूवी में जो ग्राफिक्स दिया बिल्कुल पोगो जैसा दिया गया, और मैं क्या बताऊँ इस पर, बिल्कुल उनकी हनुमान चालीसा में चौपाई है, उसको जाके ये लोग देखें समझें। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित के समय, आपको बता रहा हूँ इसका अर्थ। कंचन का अर्थ है कि स्वर्ण के समान वो एकदम सुंदर काया थे, और उनके कानों में कुंडल था, और कुंचित केसा घुंघराले बाल, ये जेल से टाइट करके बाल लगा दिए हैं, मोच हटा दिए हैं, ये क्या दर्शाना चाहते हैं। पर मूवी में जो दिखाया गया उनका दाढ़ी वाला लुक, उनके सर पे चंदन भी नहीं है, ये दिखाता है कि बॉलीवुड में रावण को गलत तरीके से पेश किया गया है। देखिए, बुराई पे अच्छाई की जीत थी, रावण को हर एक बार जलाया जाता है, पर यहाँ पे सोचने वाली बात यह कि पहले आप राम बनिए, रावण दहन अपने आप हो जाएगा, पहले राम बनने चाहिए। फिल्म निर्माताओं को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह का फिल्म अगर हिंदू धर्म के खिलाफ, अगर देवी देवताओं के खिलाफ अगर इस तरह का फिल्म रिलीज किया जाता है तो हम सरकार से कार्रवाई का मांग करते हैं। इस तरह का फिल्म नहीं रिलीज होना चाहिए। हमारे देवी देवताओं के बारे में इस तरह का मतलब अभद्र भाषा का मतलब अभद्र तरीका से उसमें दिखाया जा रहा है, तो हनुमान जी के खिलाफ, राम के खिलाफ, सीता के खिलाफ तो आप बन रहे हैं ना। देखिए, जो आदिपुरुष जो मूवी है उसका ट्रेलर जो है वो एक तरह से हिंदू संस्कृति पे हमला है, क्योंकि जिस तरह से इसमें रावण को दिखाया गया है, क्योंकि अगर हम हिंदू संस्कृति में देखें तो रावण एक अहंकारी और एक दुराचारी व्यक्ति के रूप में, पर इसमें जो दिखाया गया है वो एक तरह से मुगल रूप में दिखाया है कि भाई ऐसा कौन सा रावण है जिसकी भाई दाढ़ी है इतनी। अगर पुराने हम सीरियल्स में देखें तो उसमें रावण ने इधर अपने सोने के आभूषण पहन रखे हैं, पर हम इसमें देखें तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि मानो एक चमड़े का वो पहना दिया रावण को। और वहीं हनुमान जी का भी रोल देखा तो चमड़े का वो पहनवा के चप्पल, खड़ामू की चप्पल पहना रखी है, तो ये तो इनकी रिसर्च में या फिर इनके निर्देशक में बहुत बड़ी भूल हुई है, और एक तरह से कह सकते हैं भारतीय संस्कृति पर ये हमला है। तो ये GFX की भी बात की जा रही है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा GFX। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मूवी में एक तरह से पोगो कार्टून डाल दिया, जो पोगो कार्टून होता था तो उसमें ना होता था, तो उसी तरह इन्होंने VFX उसी में डाल दिए हैं कि मतलब भाई हिंदुस्तान के हिंदू तो बेवकूफ हैं, कुछ समझते ही नहीं है, जो दिखाएंगे वो देख लेंगे। पर अब वो दिन गए, अब इनके बॉयकॉट के दिन भी शुरू हो गए। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR, वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।